अभी आप जिस भारी भरकम ट्रक को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कोई डीजल पावर ट्रक नहीं बल्कि एक LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड व्हीकल है, जिसकी पावर एंड लोड कैपेसिटी ने सबके होश उड़ा करके रख दिए हैं। बड़ी खबर ये है कि भारतीय कंपनी डालमिया सीमेंट्स ने अपने सीमेंट बिजनेस के लिए ऐसे ही 35 LNG पावर्ड व्हीकल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इन पावरफुल ट्रक्स को बनाने का काम पूर्ण स्वदेशी रूप से भारत में ही किया गया है, जहां कंपनी ने ग्रीन लाइन लॉजिस्टिक और एशियर ग्रुप के साथ मिलकर के इस काम को कम्प्लीट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने इंटरनल यूज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए इन LNG पावर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें, भारत में ये पावरफुल ट्रक पहली बार तैयार किए गए हैं जो प्रैक्टिकली ऑपरेशनल फॉर्म में लाए जा सके हैं। थोड़ी सी डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने 2 टाइप्स के इन व्हीकल्स को अपनी कंपनी में शामिल किया है, जिसमें बड़े ट्रक ट्रेलर और बल्क ट्रक्स को शामिल किया गया है। कंपनी ने सबसे पहले अपनी महाराष्ट्र की चंद्रपुर प्लांट के अंदर 25 ट्रक्स को लॉन्च किया है। कंपनी अपने बिजनेस के लिए कच्चे माल और बैगेट सीमेंट के ट्रांसपोर्ट में करीबन 50 से 600 किलोमीटर की इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, जिसके लिए कंपनी कई ऐसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको पता होगा, ऑलरेडी सीमेंट बिजनेस काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ऐसे में पॉल्यूशन और इंडस्ट्री दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसे बड़े डिसीजन भारत की सभी बड़ी कंपनीज की तरफ से लिए जा रहे हैं। कंपनी के ऑपरेट होने वाले व्हीकल्स की मदद से करीबन 450 किलोग्राम टन कार्बन इमिशन को इजीली रोका जा सकेगा और 2040 तक कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन LNG फ्यूल भी हमारे देश के अंदर काफी बड़े स्केल पर इम्पोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा हम कतर, US, UAE एंड नाइजीरिया से LNG को इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन कोयले के कंपैरिजन में 40% लेस और फ्यूल के कंपैरिजन में 30% लेस कार्बन को इमिट करता है LNG फ्यूल। इसके अलावा देश में ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काफी बड़े स्केल पर काम किया जा रहा है, लेकिन कम्प्लीटली फ्यूल से हमें ग्रीन फ्यूल पर स्विच होने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में CNG, LNG, मेथनॉल, एथेनॉल फ्यूल्स हमारे देश को पॉल्यूशन फ्री रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आज भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु इन सभी जगह पर LNG टर्मिनल बनाए गए हैं, जिससे पूरे कंट्री के अंदर LNG डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनके स्टेशन को लगाने का काम किया है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, गेल इंडिया, पेट्रोनस LNG सहित कई और ऑयल कंपनीज ने। फिलहाल सीमेंट इंडस्ट्री में अपनाए गए LNG फ्यूल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।